Hello everybody, my dear viewers, how are you all? Today we are going to start the Hamlet, okay, which has written by Shakespeare. Here Hamlet, as you know, it is the very longest play of Shakespeare and it was performed first in the Globe Theatre, right? So मैंने कुछ अपने नोट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आपको हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो भी आप पढ़ेगा इससे, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हेमलेट से नहीं छूटने वाला. ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम. सबसे पहले हेमलेट कब स्टार्ट हुआ, इसका जो पब्लिकेशन है, ऐसा कहा जाता है कि ये 1601 में हुआ. तो ये 1600 से 1601, जैसा कि आप जानते हैं, हेमलेट, फिर मैकबेथ, ओथेलो और आपका किंग लेर, ये ट्रेजेडीज़ हैं. और एक ये ना एक सिक्वेंस में लिखी गई, ठीक है, जिसे HOLM के नाम से जानते हैं. जैसे कि H यानी कि हेमलेट लिखा गया आपका 1601 में, उसके बाद फिर आपकी ओथेलो लिखी गई, फिर आपकी मैकबेथ लिखी गई, फिर किंग लेयर, यानी कि 1, 4, 5, 6 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो इट इज़ नेक्स्ट है. इसका जो सोर्स है, कहाँ से मिलता है हमें, इसका जो सोर्स है वो हिस्टोरिका डैनिका से मिलता है. हिस्टोरिका डैनिका कहाँ, किसने लिखी, सेक्सो ड्रामेटिकस ने लिखी. इसे डैनिका मतलब है डैनिस, यानी कि हिस्ट्री ऑफ डैनिस, इसका मतलब है हिस्टोरिका डैनिका का. इसका जो लेजेंड है या एम्लेथ, ओके, ये एम्लेथ की वीर गाथा है. तो जो टाइटल है हेमलेट जो है वो एम्लेथ से आया है. स्पेनिश ट्रेजेडी जो थॉमस किट की थी, उससे भी इन्होंने कुछ मतलब मटेरियल लिया है. और ये एक इटालियन सोर्स है, जिसे मर्डर ऑफ गोंजेलो था, यानी कि जो प्ले विद इन प्ले जो दिखाया गया था, है ना, कि जिसमें उसने बोला कि माउस ट्रैप करके नाम था प्ले का, जो हेमलेट ने खुद डिज़ाइन किया था, जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क था, ताकि उसका जो मर्डरर है उसके फादर का, वो सामने आ जाए, ठीक है. तो ये गोंजेलो उसी में था. फाइन, ये लॉन्गेस्ट प्ले है. अब इस प्ले के बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने की डिक्शनरी लिखी थी, पहली डिक्शनरी, क्या कहते हैं कि हेमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ नॉबल इन एक्शन, वाइल ओथेलो इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ नॉबल एक्शन. ओके, फिर इसके बाद इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ डिले, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा, ये भी बहुत बड़े क्रिटिक हैं. और हेमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, ये ड्राइडन ने कहा. ये आप जानते ही हैं, इनको जो हीरोइक कपलेट्स के लिए बहुत फेमस माना जाता है. और हेमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रेशन, ड्राइडन बहुत बड़े बढ़िया क्रिटिक भी हैं. ओके, तो इन्होंने जितने भी क्रिटिक्स हैं उन सब ने ये सब चीज़ें लिखी हैं. ST कॉलरिज ने कहा था कि हेमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रेशन. जो भी बच्चे रीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, अगर राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप उसे पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं. फिर है आपका वेवरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड हेमलेट लूजेज हिज लाइफ, ये सारे जो कोट्स हैं. एक और कोट है, हेमलेट इज़ टोटली आर्टिस्टिक फेलर, ये T.S. एलियट ने कहा था. इट इज़ अ आर्टिस्टिक फेलर, ट्रेजेडी इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ओके, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी है, इस तरह का जो वर्ड था, ये T.S. एलियट ही लेके आए थे. ओके, तो ये आप याद रखना, इसका संबंध जो है T.S. एलियट से है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी का. थीम है इसकी रिवेंज, मोटिव था, क्योंकि जो हेमलेट है वो अपने फादर जो किंग हेमलेट थे, उनका जो डेथ हुई, उनके उसके अंकल ने, क्लॉडियस ने डेथ उनको मारा, मर्डर किया, उसका रिवेंज लेना उसका मोटिव था. और ये कॉमेडी, ये जो सॉरी ट्रेजेडी जो है वो ख़त्म भी उसी पर होती है, कि उसका जब रिवेंज कंप्लीट हो जाता है, फिर वो हेमलेट मर जाता है और ये ड्रामा भी ख़त्म हो जाता है. इसकी सेटिंग कहाँ हुई, इसकी सेटिंग हुई डेनमार्क में. डेनमार्क में जो प्ले, ये प्ले है, कहाँ खुलता है, एल्सिनोर में खुलता है, ये ELSINOR, एल्सिनोर. कैरेक्टर्स इसमें 18 मेल कैरेक्टर्स हैं, इसमें फीमेल कैरेक्टर्स दो हैं, एक तो गर्ट्रूड है, दूसरी ओफीलिया है. ओफीलिया तो पता ही है आपको, ये जो है वो लवर है, किसकी, बिलव्ड है, सॉरी, हेमलेट की. और गर्ट्रूड जो है वो वाइफ है क्लॉडियस की, अभी जो कि पहले हेमलेट की क्वीन थी. ओके, हेमलेट मर जाते हैं तो मर्डर हो जाता है उनका, तो उसके बाद वो क्लॉडियस यानी जो हेमलेट के अंकल हैं, प्रिंस हेमलेट के जो अंकल हैं, उनसे शादी कर लेती हैं. तो ये दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं. शेक्सपियर ने बहुत ही मोस्टली जो उनके प्लेज रहे हैं वो 5 acts के रहे हैं, एंड दिस इज़ द ऑल्सो 5 act प्ले. इसमें 20 scenes हैं, act 5 हैं. इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स जो हैं,
पहला तो हेमलेट ही है। हेमलेट कितने साल के हैं? हेमलेट 20 ईयर्स ओल्ड है और वो बीए कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? विटनबर्ग में यूनिवर्सिटी में कर रहा है और वो फिलोसफी का स्टूडेंट है। ओके, फिर यहाँ पर दूसरा करेक्टर है फॉर्टेनब्रास का। जो फॉर्टेनब्रास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी करेक्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन है? ये द प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैं और एट द एंड इन्हीं को जो डेनमार्क का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, वो अपनी जो पूरी विल है, वो जो हेमलेट है, वो अपनी पूरी विल नॉर्वे के किंग को और फॉर्टेनब्रास को दे देता है, क्योंकि वो इसकी जो ऑनेस्टी है इससे बहुत प्रभावित हुआ था। तो दैट्स वाई ही हैड गिवन हिज विल और उसके बाद ये इसी को डेनमार्क का शासक बना दिया जाता है। द लास्ट वर्ड अटर्ड बाई हेमलेट रेस्ट इज साइलेंस। ये किसने कहा था? ये हेमलेट ने कहा जब उसकी डेथ हो रही थी कि अब सब शांति है, सब सन्नाटा है, सब जगह शांति है, सब कुछ ठीक है अब तो। ये किससे कहा? होरेशियो। हु इज होरेशियो? होरेशियो कौन है? तो होरेशियो हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। क्रिमेशन प्रिफर्ड बाई फॉर्टेनब्रास। क्रिमेशन यानी कि जो ताजपोशी होती है वो किसके द्वारा की जाती है? फॉर्टेनब्रास के द्वारा की जाती है, उसी को ताज पहनाया जाता है। सेकंड नंबर है क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस हैं अंकल हेमलेट। ओके, अंकल हैं जो हेमलेट के, जो कि अब किंग ऑफ डेनमार्क बन गए हैं। ये विलन है प्ले की। गर्ट्रूड कौन है? गर्ट्रूड मदर है हेमलेट की, जो कि पहले किंग हेमलेट की वाइफ थी। उनके मर जाने के बाद इनको इन्होंने क्लॉडियस से शादी कर ली। क्लॉडियस जो कि अंकल हैं हेमलेट के, और इनका जो हस्बैंड है यानी कि जो किंग हेमलेट थे, उनके कान में हम जो पॉइजन डाल दिया था क्लॉडियस ने और वो मर गए थे। ओके, तो पोलोनियस कौन है? पोलोनियस जो है वो फ्लैट करेक्टर है। फ्लैट करेक्टर्स क्या होते हैं? वो करेक्टर जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते। ठीक है, जैसे शुरुआत में वो सीधे साधे हैं, अंत में भी वो नहीं होते, किसी तरह का वो उनके करेक्टर में उतार चढ़ाव नहीं होता, तो उसे फ्लैट करेक्टर्स कहते हैं। इनको पोलोनियस को ब्रूटस के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये एक डिटेक्टिव थे और इनको लॉर्ड चैम्बरलेन भी कहा जाता है। और ये लर्टस के फादर हैं। लर्टस, इनके दो बच्चे हैं, एक तो लर्टस हैं, एक ओफीलिया हैं। लर्टस कौन है? लर्टस जो है वो एम्बेसडर है डेनमार्क का, जो कि फ्रांस में है। ओके, अच्छा नेक्स्ट है आपका क्लॉडियस। क्या करता है? अपॉइंट करता है कि हेमलेट पर वो नज़र रखे। ठीक है, कौन किसको अपॉइंट करता है? लर्टस को अपॉइंट करता है हेमलेट पर नज़र रखने के लिए। क्लॉडियस कौन है? बताया मैंने अभी आपको, हेमलेट का अंकल। हेमलेट कॉल्स हिम फिश मॉन्गर। और हेमलेट क्या कहता है उसे? जो पोलोनियस है उसको क्या कहता है? उसे फिश मॉन्गर कहता है, क्योंकि तुम दलाल हो, तुम सिर्फ खाली दलाली करते रहते हो क्लॉडियस की। ठीक है, तो इस तरह से वो उसे एडजेक्टिव देता है फिश मॉन्गर का। किसको देता है? आप उसको, पोलोनियस को देता है। ओफीलिया कौन है? डॉटर है पोलोनियस की, हेमलेट की बिलव्ड है। और जब बहुत ज़्यादा पागलपन हो जाता है ऐसे, तो जो हेमलेट है वो गुस्सा करता है उसके ऊपर और वो कहता है कि जाओ जाकर नर्नरी ज्वाइन कर लो। नल तो आप जानते ही हैं, जो कि संत टाइप होते हैं। नन भी सुना होगा आपने, लेडी जो लेडीज नन्स होती हैं, कहते हैं कि वहीं जाके ज्वाइन करो और बस ये सब बकवास है। शी डाइड बाई ड्रोनिंग इन पॉन्ड। और वो कैसे मरती है? ओफीलिया पॉन्ड में डूबकर मर जाती है। लर्टेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, पोलोनियस का बेटा है, ब्रदर है ओफीलिया का। होरेशियो कौन है? हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड है, क्लासमेट है, बहुत लॉयल फ्रेंड है उसका। ग्रेव डिगर्स, दो कॉमिक करेक्टर्स आते हैं इसमें। ठीक है, वो ग्रेव डिगर्स हैं, कॉमिक स्क्रीन प्ले करते हैं शेक्सपियर के। ठीक है, फॉर्टेनब्रास आपको पहले ही बताया, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा था, आई लिव फॉर डाई फॉर ऑनर नॉट फॉर प्रॉपर्टी। ओके, मैं ऑनर के लिए ज़िंदा रहता हूँ, मुझे संपत्ति से उतना लगाव नहीं जितना सम्मान से। इसी बात को जब पहले जब उनका फाइट हुआ, वॉर हुआ था नॉर्वे और डेनमार्क का, तो जब ये बात उसने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा इस पर क्रेज़ी हो गया इसके लिए कि हाँ इज़ अ गुड मैन और मेरे जाने के बाद ही कैन बी अ किंग ऑफ द डेनमार्क। ओके, तो यहाँ पर ये आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर एक आते हैं, ये रोसेनक्रेंट्ज हैं और गिल्डेनस्टर्न हैं। ये दोनों हमेशा आपको साथ ही मिलेंगे, ये क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हेमलेट के क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और ये गार्ड भी हैं।
ओके, कॉर्टियर भी हैं ये, फाइन, दे आर मर्डर्ड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड। अब क्या होता है, इन दोनों को कौन मारता है, इन दोनों को किंग ऑफ जो इंग्लैंड है वो मारता है, क्योंकि क्या हुआ कि जो क्लॉडियस था, क्लॉडियस ने बोला कि हेमलेट को कि भाई आपकी हालत ठीक नहीं, दिमागी हालत ठीक नहीं, तो आप ना लंदन चले जाओ। ओके, तो जब वो लंदन जाने के लिए कहता है तो वो एग्री हो तो हो जाता है, लेकिन वो जो लेटर है वो क्या करता है, वो कहता है कि जो लंदन का जो किंग है, इंग्लैंड का जो किंग है, वहाँ जाके तुम ये लेटर उसको दे देना, ठीक है, तो तुम्हारी अच्छे से सेवा करेगा। और उसमें ये लिख देता है कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है हेमलेट की, तो उसे मार दिया जाए। तो हेमलेट को लेटर मिल जाता है और वो उस लेटर में अपने नाम की जगह रोसेनक्रेंच और गिल्डेंस्टन का नाम लिख देते हैं। तो जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो इंग्लैंड का जो राजा होता है वो इनकी इनको मार देता है, ठीक है। वाल्टमर और कॉर्नेलियस, ये डेनिश एम्बेसडर हैं, ठीक है, आया था ये, ठीक है, ये हु वर द वाल्टमर एंड कॉर्नेलियस और ये किस प्ले में है, तो ये याद रखना, छोटे छोटे ना जो माइनर करेक्टर्स हैं वो ज़रूर पूछ लेते हैं। ओके, अच्छा, ये ऑसरी कौन है, ऑसरी कॉर्टियर है, ओके, और ही ये इन्फॉर्म करता है हेमलेट को अबाउट द घोस्ट। प्ले विद इन प्ले है ये, ठीक है। एल्सिनोर क्या है, डेनमार्क की राजधानी है, यहीं पर हो रहा है। और जो लैटस है वो स्टडी करने के लिए पेरिस जाता है, टू बी और नॉट टू बी, ओके, ये ग्रेट ग्रेव डिगर सीन का है, मैं मरूं या जिंदा रहूं, हेमलेट कहता है, अपने आप से ही पूछता है, सोलिलोक्वी है, ये ग्रेव डिगर सीन में होता है, एक्ट फाइव में है ये, ठीक है। एक्ट वन में क्या है, एक्ट वन सीन थ्री में है, हेमलेट बिगिंस टू सस्पेक्ट ऑन हिज फादर्स डेथ। एक्ट वन में सीन थ्री में हेमलेट को डाउट होने लगता है कि उसकी फादर की जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी, कुछ गड़बड़ थी। सबसे पहले किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ओफेलिया डिस्क्लोज द हेमलेट गॉन मैड, सबसे पहले किसे पता चलता है, कौन डिस्क्लोज करता है इस बात को कि हेमलेट पागल हो गया है, तो ओफेलिया करती है। प्लीज़ कहाँ खुल, जो प्ले है हेमलेट वो कहाँ खुलता है, तो प्ले ओपन्स एट कैसल ऑफ एल्सिनोर, ठीक है। सबसे पहले मार्सिलस होता है, मार्सिलस ही वो पर्सन है जिसने हेमलेट का घोस्ट पहले देखा है, ओके। और हेमलेट का घोस्ट कितने टाइम दिखता है, 3 times दिखता है प्ले में। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरेशियो ट्राई टू एनकाउंटर द घोस्ट, ओके, सबसे पहले हॉरेशियो ने ट्राई किया कि उस घोस्ट को देखा जाए, घोस्ट ऑफ डेड किंग हेमलेट, फाइन। हेमलेट फ्यूनरल सेरेमनी अकॉम्प्लिश्ड बाई फॉर्टेनब्रास, और हेमलेट की जो फ्यूनरल सेरेमनी थी वो किसने कराई, बैंड बाजे के साथ, वो फॉर्टेनब्रास ने करवाई। जो ऑस्ट्रिक था वो एक कॉमिक करेक्टर है, ओके, ही इन्फॉर्म द किंग अबाउट ड्वेल वॉर, ओके, कि लर्टेस और हेमलेट लड़ रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्म कौन करता है, तो ऑस्ट्रिक करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ओके, आगे और भी वीडियो में है, फाइन, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से इसी पे बनाने वाली हूँ। ये कुछ कुछ करेक्टर्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स थी जो मैंने बताया। शेक्सपियर बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है, ठीक है, तो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, सो बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।